अरे ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? अरे साला, इस आदमी ने तो वैलोग लड़की को जन्म दे दिया। तो चलिए वैलोग, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरू में हम एक कैरी नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि वाकई में एक अच्छा साइंटिस्ट था। लेकिन वैलोग, इसने एक केमिकल की इजाद की थी, यानी कि इन्वेंशन किया था कि वो किसी भी औरत को आसानी से प्रेग्नेंट कर सकता है। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग, जो औरतें प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंट नहीं होती, उन सभी औरतों को ये केमिकल आसानी से काम आ सकता था। वैसे भाई लोग, हमारा केरी थोड़ा सा चक्रम टाइट आदमी था। वो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक पुरुष बंदर के ऊपर करता है और वो देखना चाहता था कि ये साला बंदर प्रेग्नेंट होता है या नहीं। थोड़े हफ्तों के बाद भाई लोग, वो साला मामूली बंदर मामू प्रेग्नेंट हो चुका था और हमारा केरी यहाँ पर डेढ़ आइटम बन चुका था। ये देखकर भाई लोग, केरी का बॉस भी बहुत ही खुशखुशहाल था। वो केरी को शाबाशी दे रहा था कि शाबाश मेरे बेटे, तूने तो भोकाल टाइट कर दिया है और तहलका मचा दिया है। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी गुप्त बातचीत, क्योंकि केरी का बॉस केरी को फोर्स कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट तुम किसी मेल पुरुष के ऊपर करो और हम इंसानों के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि साला पुरुष यानी कि मेल प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर भाई लोग, केरी के बॉस को ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी कई मेल होंगे जो कि अपने आप को प्रेग्नेंट करना चाहते होंगे और वो इस केमिकल को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि केरी किसी और के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि किसी और इंसान के साथ कुछ गलत सलत हरकत हो जाती है तो वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकता था। लेकिन पैसों की लालच में आकर वो अपने आप पर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी हो जाता है और वो अपने बॉस को कहता है कि चल तेरे घर पर ये एक्सपेरिमेंट की ट्राई करते हैं। बॉस के घर पर भाई लोग, बॉस ने सारा इंतजाम सब कुछ सेट कर दिया था और वो केमिकल भी हमारे केरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर भाई लोग, केरी और उसके बॉस का इरादा साफ साफ था कि पेट में बच्चा जन्म ले उससे पहले ये केमिकल क्या क्या रिएक्शन शरीर के अंदर करता है वो सारा डेटा इन दोनों को हासिल करना था। और डेटा मिल जाने के बाद वो दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करके पहले वाले केमिकल को केरी के शरीर के अंदर ही खात्मा कर देना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर भाई लोग, ऐसा नहीं करते ये दोनों, तो 9 महीने बाद हमारा केरी एक बच्चे की माँ बन जाता। वैसे भाई लोग, हमारा केरी भी थोड़ा सा डेढ़ साना बंदा था, उसे लड़कियों में काफी ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए एक दिन वो किसी पार्टी में जाता है अपने बॉस के साथ और वहाँ पर उसे मिलती है एक छेल छबीली आइटम, चिकनी चमेली, और वो उसके साथ डांस करने लगता है। केरी का बॉस ये देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये साला कुछ गलत सलत हरकत है। अभी यहाँ पर केरी अपनी धोखेबाजी वाली हरकतें शुरू करे उस लड़की के साथ, उससे पहले उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और केरी को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले चलता है। वो केरी को कहता है कि इस सिचुएशन में केरी, तुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए बेटा, वरना थोड़ा सा गलत आइटम हो जाएगी। यहाँ पर भाई लोग, धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे और केमिकल का सारा डेटा भी केरी के बॉस को मिल चुका था। अगले दिन वो केरी की जांच पड़ताल करता है। यहाँ पर केरी की बॉडी भी अभी तक स्वस्थ थी, इसलिए केरी का बॉस उसे कहता है कि चल बेटे, अभी समय आ चुका है कि हम इस केमिकल का खात्मा कर दे। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर हो जाती है एक दबंगगिरी वाली बात, क्योंकि केरी अपने बॉस को कहता है कि अभी मैं इस मासूम से बच्चे की जान नहीं लेना चाहता, ये भले मेरे जरिए इस दुनिया में आ जाए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अभी यहाँ पर भाई लोग, ये डेढ़ सानी बात सुनकर केरी का बॉस थोड़ा सा चक्रम आदमी हो चुका था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह साला बावली पूंछ क्या बोल रहा है और क्या बकवास कर रहा है। वो केरी को समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, दुनिया में इंप्रेशन खराब हो जाएगा और हमारी कंपनी हमारे ऊपर ही एक्शन ले लेगी। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर केरी अपने बॉस की एक भी बात नहीं सुनता और वो अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है, मुझे इस बच्चे को गिराना नहीं है और मैं इस बच्चे को किसी भी तरह से जन्म देना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर केरी की जिद के सामने भाई लोग, केरी का बॉस हार मान लेता है। जैसे जैसे भाई लोग समय बढ़ रहा था, केरी का पेट भी आगे से तोन निकलती ही जा रही थी, क्योंकि बच्चा उसके पेट के अंदर विकसित हो रहा था, इसलिए उसे कपड़े टाइट होने लगे थे, इसलिए वो मॉल में जाता है और अपने कपड़े बपड़े की खरीदी करता है। और यहाँ पर केरी को एक साफ स्ट्रीट रूल भी उसके बॉस ने उसे दिया था
कि जब तक तेरी प्रेगनेंसी ना हो तुझे मेरे घर पर ही आराम करना है, बाहर बकलोलिया नहीं पेलनी है। घर पर केरी के बॉस की बीवी केरी की ये हालत देख लेती है और वो अपने पति से पूछती है कि बेबी ये क्या है, और तभी बॉस कहता है कि ये थोड़ा सा पंगा हो चुका है, इसमें तुम ध्यान मत दो, ये साला प्रेग्नेंट है। अभी यह सुनकर वो बावली औरत वहीं के वहीं वही लोग बेहोश हो जाती है। केरी का बॉस यहाँ पर सोचता है कि इस साले को जो भी कोई देखेगा तो वो साले बेहोश हो जाएंगे, इसलिए केरी का बॉस उसे वुमन केयर इंस्टीट्यूट में डाल देता है, वो भी डुप्लीकेट औरत बनाकर। वुमन केयर सेंटर यानी कि वह लोग वहाँ पर जो भी कोई प्रेग्नेंट औरतें थी उन सभी का वहाँ पर मौजूद लोग यानी कि नर्स उन सभी का साफ साफ ध्यान रखती थी और ख्याल रखती थी अच्छी तरह से। और इंस्टीट्यूट में भी हमारे केरी का वह लोग अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। अभी ऐसे करते करते धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो वक्त आता है जब औरतों की तरह हमारे केरी को भी पेट में से पेन होने लगा था। वो वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगता है। वहाँ पर मौजूद नर्स ये सारी बातें बॉस को बताती है और बॉस एक कॉल पर ही वहाँ पर दौड़ा चला आता है। वो केरी को उठाकर सीधे अपनी कार में बिठाता है और निकल पड़ता है अपनी दोस्त की हॉस्पिटल में। यहाँ पर भाई लोग मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये सारी बातें केरी ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उस लड़की को भी बता दी थी कि मैं ऐसा कुछ आइटम रोमांचित काम करने वाला हूँ, लेकिन इन सभी चीजों से उसकी गर्लफ्रेंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इस टाइम में भी केरी के साथ थी क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार। लेकिन भाई लोग दूसरी और मीडिया वालों को यह पता चल चुका था कि साले एक साइंटिस्ट ने कुछ अफरा तफरी वाला काम किया है, इसलिए वो उस हॉस्पिटल के बाहर ही अपना माइक और कैमरा लेकर खड़े हो चुके थे। लेकिन आप तो जानते ही है कि केरी का बॉस थोड़ा सा साणा आदमी है, वो केरी को हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से अंदर एंटर करवा देता है और वहाँ पर मौजूद 2-3 लोग केरी को सीधा ऑपरेशन थिएटर में एंटर करवा देते हैं। अभी यहाँ पर डायलॉग शुरू हो जाता है बच्चे को निकालने का कार्यक्रम। अभी डायलॉग हमारा केरी एक मर्द था इसलिए वो बच्चे को औरत की तरह तो निकाल नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स मिलकर केरी का सिजेरियन कर डालते हैं। और थोड़ी ही देर में केरी का बॉस बच्चे को लेकर बाहर आता है और केरी की गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि बधाई हो बेटा, तुम दोनों को लड़की हुई है। क्या बताऊं भाई लोग, आज मैंने ये साली कौन सी मूवी देख ली, मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पर भाई लोग केरी और उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे थे और बड़ा होते ही वो दोनों अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी में, तब तक कहिए जय हिंद जय भारत। कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताना।